हेलो फ्रेंड्स, कपिल्स किचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सर्दियों के मौसम का मटर का पराठा, वो भी बहुत आसान तरीके से। जिसके लिए हमें चाहिए आधा कटोरा मटर छिला हुआ, जीरा, हरा मिर्चा और हरी धनिया। ये बगैर प्याज लहसुन का हम बनाएंगे और इसमें हमको थोड़ी सी हींग भी चाहिए। हम स्टफिंग बाद में तैयार करेंगे, पहले आइए अपने नॉर्मल आटे का एक डो बना लेते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरा आटा, 2 कटोरा आटा हो गया। इस पे हम 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं और 2 चम्मच इसमें हम ऑयल डालेंगे। 1-2 चम्मच ऑयल डाल दे रहे हैं, जिससे हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होगा। इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारा नमक और ऑयल अच्छे से मिल जाए। इसमें ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डाला है। हमारा डो तैयार है और ये काफ़ी सॉफ्ट डो बना हुआ है। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट में रख देते हैं। और आइए अब हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और हमारा ऑयल गर्म हो जाए। हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और इसके हिसाब से थोड़ी हींग इसमें डालेंगे, थोड़ी सी हींग और जीरा। हींग डाल दिया है, जीरा हमारा चटकने लगा है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। ये 1/2 कटोरा मटर है हम इसमें डाल दे रहे हैं। मटर को हम चला देंगे। हमारा हो गया। अब हम इसमें 1 हरी मिर्च काट के डाल रहे हैं। आप अपने शौक के अकॉर्डिंग हरी मिर्च बढ़ा घटा सकते हैं। थोड़ा घी है, इसमें हम थोड़ा मिर्च करेंगे, जिससे हमारी मटर एकदम सॉफ्ट हो जाए। ये हमने 1 कप पानी से डाल दिया है, जिससे हमारी मटर गल जाएगी। आधा चम्मच नमक डाल दें और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। तो हमने चला दिया है। अब इसको ढक के हम 10 से 15 मिनट पका लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, आइए हम देख लेते हैं कि हमारा मटर कहाँ है। करीब हमारा मटर हो चुका है, देख लेते हैं सॉफ्ट हो रहा है या नहीं। सॉफ्ट हो गया है और इसमें हम अपनी हरी धनिया को एड कर देंगे। इसके साथ थोड़ा सा पिसा मिर्चा ऐड करेंगे, बिल्कुल 2 पिंच, और थोड़ी सी अमचूर, स्मॉल चम्मच हल्का सा काला नमक, 1/2 चम्मच से भी कम गरम मसाला। इसको हमने मिक्स कर दिया है और हम इसको चला देंगे और इसके साथ ही हम इसको मैश भी करते जाएंगे। आप देख रहे हैं इसको मैश करते जाता है, अच्छे से हमारी तैयार हो जाए। और हमारा आटा फाइनली तैयार है पराठे के लिए। अब इस आटे के हम पेड़े बना लेते हैं।
हमारे पेड़े तैयार हैं। अब हम इसको इसमें आटा लगा लेते हैं। नॉर्मल आटा है जिससे हमारी रोटी तैयार होती है। अब इसमें हम मटर की स्टफिंग भरेंगे। आप देख सकते हैं ये मटर की स्टफिंग हमारी भर गई है अच्छे से। और इसको हम एक अच्छा सा शेप देंगे गोला गोला। और ये हमारा पेड़ा तैयार है फाइनली। और अब हम अपनी फ्लेम को ऑन कर देते हैं ताकि हमारा तवा गर्म हो जाए। हमारा तवा मीडियम टू लो फ्लेम पे है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। अब हम अपने पराठे को अच्छे से बेल लेते हैं। काफ़ी अच्छा पराठा हमारा तैयार है। और ये हमने इसमें सेकने के लिए डाला है। हम अपने पराठे को रख देते हैं और दूसरे पराठे को बेल लेते हैं। इसी तरह हम सभी पराठों को बेल लेंगे। हमारा पराठा ये हमने पलट दिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुनहरा सुनहरा। और हम इसमें बहुत सारा ऑयल डालेंगे। ठंड सर्दियों का मौसम है और मटर का पराठा बहुत घर में लोग पसंद करते हैं। बड़े और बच्चों सभी को पसंद है, इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा फूला फूला बहुत ही क्रिस्पी स्वादिष्ट पराठा तैयार हो रहा है। ये हमारा पराठा आप देख सकते हैं इधर से फूल गया है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट पराठा हमारा तैयार हुआ है। हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसी तरह अपने दूसरे पराठे को भी तैयार कर लेते हैं। दूसरा पराठा भी तैयार है। ये हम निकाल लेते हैं। फाइनली हमारा पराठा तैयार है सर्व करने के लिए, जिसको हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर फ्रेंड्स ये पराठा आप जरूर से जरूर से ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोगों को ये पराठा पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।